हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप हांसदा और आप सबका स्वागत है जीएच फिजिक्स फैमिली में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जानेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, फिर उससे आगे हम देखने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन नेचर एंड इट्स टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस। हम देखेंगे नेचर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इसका यूज़ क्या है, हमारे डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल क्या होता है और ये कैसे फ़ायदेमंद है या फिर क्या है इसके पीछे का लॉजिक। फिर हम देखेंगे मिरेज। गर्मी के दिन में हम जनरली हम सब ऑब्जर्व करते हैं कि अगर धूप में हम कहीं पे ट्रैवल करके जा रहे हैं तो जिस बिल्डिंग के सामने कोई अगर रोड पास हुआ है, उस रोड के सामने हम देखेंगे कि पानी का झिलमिलाहट जैसा कुछ दिखाई देता है और असल में जाके वहाँ देखते हैं तो वहाँ पानी नहीं रहता है। इस फेनोमेनन को हम बोलेंगे मिरेज और ये क्यों होता है इसको भी समझेंगे। आगे देखने वाले हैं डायमंड। डायमंड इतना चमकदार क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर देखेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है, लाइट को 90 डिग्री मोड़ सकता है, 180 डिग्री मोड़ सकता है या फिर इमेज को उल्टा करके दिखा सकता है, इसके पीछे का भी रीज़न जानेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर के बारे में और ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है और इम्पॉर्टेंट भी है एक तरीके से, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको देखने से पहले हम एक टॉपिक को कवर कर लेते हैं, एक सिंपल सा पॉइंट है क्रिटिकल एंगल। एक छोटा सा पॉइंट है क्रिटिकल एंगल, इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। देखते हैं ये क्रिटिकल एंगल क्या है, इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय IC, इसको हम डिनोट करते हैं IC से। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, मतलब कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे में जाएगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस वैसा वाला जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा 90 डिग्री, उसको हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। और इस एंगल को हम डिनोट करते हैं IC से। समझते हैं इसको, यहां मान लेते हैं कि एक इंटरफेस है और इसमें एक कंडीशन है ए ए डैश। ये हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में दो कंडीशन देखने वाले हैं कि लाइट हमारा डेंसर से रैरल में जाना चाहिए, डेंसर से जाना चाहिए रैरल में। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट मीडियम और ये हो जाएगा हमारा सेकंड मीडियम। एग्जांपल में हम ले सकते हैं, यहाँ हमारा वाटर है और इसके ऊपर में क्या है एयर है, ये हम ले सकते हैं। तो इसमें बोला गया है वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जानने के लिए नॉर्मल खींचना होगा, ये हो गया हमारा नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल हो जाएगा आई। अगर इस आई का वैल्यू वो होगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है 90 डिग्री, मतलब लाइट ऐसे आया और रिफ्रैक्ट होके यहाँ पे आया, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या बोलेंगे आर, ये 90 डिग्री है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या नाम देंगे क्रिटिकल एंगल आई सी, और इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। अब ये देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है और इसमें इसका इस्तेमाल क्या। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसको समझने के लिए हम ये जानते हैं कि जैसे अगर ये हमारा इंटरफेस है, इसके नीचे वाटर है, इसके ऊपर एयर है, तो जब लाइट इसमें इंसिडेंट होता है तो क्या सारा लाइट अंदर आ जाता है वाटर में या फिर कुछ रिफ्लेक्ट भी होता है। तो इसका आंसर ये है कि कुछ लाइट आएगा इसे
कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। सेम होता है जब हमारा लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, मतलब कि वाटर से एयर में, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होते हैं। तो इसी में हम देखेंगे एक स्पेशल केस है क्रिटिकल एंगल, ये हमारा हो चुका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। इन दिस केस इंसिडेंट लाइट, या फिर लाइट लिख सकते हैं लाइट, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट्स बैक टू डेंसर मीडियम। दिस फेनोमेनन, फुल स्टॉप के बाद हम लिख सकते हैं दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि अगर हमारा लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा, ये हमारा ई ए डैश इंटरफेस है, इसके ऊपर में है रेयर मीडियम और नीचे में है डेंसर मीडियम। अब यहां पर हमारा लाइट इंसिडेंट होता है इस एंगल के साथ, ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और क्या बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से अधिक होगा तो लाइट पहले मीडियम से दूसरे में जाएगा ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, इसी डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा सारा का सारा लाइट, एक भी लाइट बाहर नहीं जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट लाइट, और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। सबसे पहले बोला गया है कि लाइट हमारा जाना चाहिए डेंसर टू रेयर मीडियम, ये पहला कंडीशन है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला कंडीशन है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। दूसरा कंडीशन क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक होना चाहिए। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कंप्लीट है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे, इसको एक फिगर के थ्रू समझने का कोशिश करेंगे बेहतर ढंग से। हो गया, बढ़ते हैं आगे। अब हम फिगर के थ्रू इसको समझने का कोशिश करते हैं। एक बड़ा सा इंटरफेस लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा बड़ा सा इंटरफेस, यहाँ ले लेते हैं ई एडस, ए एडस, इसके ऊपर में है हमारा रेयर मीडियम और नीचे है हमारा डेंसर मीडियम। तो यहाँ देखो हो क्या सकता है, अगर हम इस पॉइंट से लाइट को इंसिडेंट करें, इस पॉइंट से, और लाइट को इंसिडेंट करने का डायरेक्शन है ये हमारा इस तरीके से, हमने लाइट को इंसिडेंट किया इस तरीके से, तो यहाँ क्या होगा, इसके लिए हम नॉर्मल खींचने जाएंगे तो यही इसका नॉर्मल भी हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। तो
तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल आई होता है, यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ये भी क्या हो जाएगा जीरो डिग्री, मतलब लाइट ऐसे जाएगा और रिफ्लेक्ट होके इसी में आ जाएगा, और दूसरा अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो ये ऊपर चला जाएगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल के ही डायरेक्शन में। दूसरा केस हम क्या देखेंगे, अगर लाइट को हम कुछ एंगल के साथ इस डायरेक्शन में भेजें, हमने लाइट को भेजा इस डायरेक्शन में और यहाँ हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो क्या होगा, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगा और कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगा, तो हम देखते हैं ये केस लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो गया, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट, इसको यहाँ फिगर से हटाना पड़ेगा क्योंकि आगे और भी लिखना है, ये लाइट हमारा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल आर, और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट होगा, तो जब लाइट डेंसर से रेरर में जाती है तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से थोड़ा दूर भागती है, जाना चाहिए था ऐसे, ये आ जाएगा इस डायरेक्शन में और ये हो जाएगा हमारा रिफ्रैक्टेड लाइट, ये दूसरा केस हुआ। अब हम लेके चलते हैं इसको क्रिटिकल एंगल की ओर, मतलब वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो चलते हैं आगे, ये हमारा इंसिडेंट लाइट था, हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इतना है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये रिफ्लेक्ट तो होगा साथ ही साथ अगर रिफ्रैक्शन हुआ है तो वो कितना में होना चाहिए 90 डिग्री, ये हमारा आर है, तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा हमारा क्रिटिकल एंगल। अब है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ेगा जैसे कि इस केस में, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ज़्यादा हो गया, लाइन को थोड़ा सा ये इस तरीके से, तो ये हमारा इंसिडेंट लाइट था और ये रिफ्लेक्टेड भी था और रिफ्लेक्टेड भी था, इस केस में हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या है क्रिटिकल एंगल से काफ़ी ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है क्रिटिकल एंगल से अधिक है, तो इस केस में होगा क्या, लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाएगा ही नहीं, वो इसी मीडियम में कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हमारा कम्प्लीट रिफ्लेक्शन होगा, इसको फिगर अच्छे से बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, और इस फेनोमेनन को हम क्या नाम देंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा एंगल आर, ये हमारा केस हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब हम देखते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम जानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट मीडियम और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड मीडियम, हम स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या जानते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, इस साइड में रहने देते हैं, इसको हटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना था थोड़ा सा दिक्कत हुआ, फिर भी कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होगा डेंसर मीडियम, ये होगा हमारा रेरर मीडियम, ये होगा हमारा डेंसर मीडियम और इसको बोलेंगे हम मीडियम नंबर वन और इसको बोलेंगे मीडियम नंबर टू, तो मीडियम वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोलेंगे म्यू वन और इसको बोलेंगे म्यू टू, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ के आधार पर क्या था, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और हम मान लेते हैं फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है, ये दूसरा मीडियम एयर है और पहला मीडियम हमारा वाटर है, तो देखते हैं इसमें क्या होगा, साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर इसको क्रिटिकल एंगल माने, ये दूसरे के लिए फिगर बना दिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा N2/N1, इसको हम लिख सकते हैं Na means refractive index of air by refractive index of water।
अब अगर हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है वाटर का, क्योंकि इसी के आधार पर क्रिटिकल एंगल डिसाइड होगा, तो हम इसको पलट सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यह हो जाएगा साइन 90 डिग्री बाय साइन IC इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो हम जानते हैं साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है, 1, और यह है साइन IC, और इधर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1। तो इस तरीके से हमारा एक नया रिलेशन आया है, और इसमें क्या पता चला कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में रिलेशन देखें तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा तो उस ऑब्जेक्ट का क्रिटिकल एंगल लो होगा, और किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो है तो उसको बहुत ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। और यही कारण है कि डायमंड हमारा बहुत चमकदार होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है और क्रिटिकल एंगल लो है।